तो गाइस अब मैं हो चुकी हूँ नहा कर रेडी और गुल्लू मैडम नहीं नहाई है, गुल्लू मैडम का स्लीपिंग का टाइम है। अल्लाह के बापू, मैडम सो रही है। इतने हम करते हैं पूजा पाठ और लगाते हैं अपना मॉइस्चराइजर। क्या हो गया है बापू, क्या हो गया? मेरी कल यार ये इस फिंगर पे ना वो लग गया, स्टेपलर की पिन नहीं होती, ज़बरदस्त पेन हो रहा है, ज़बरदस्त। मेरी आदत है, मैं डेली मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि ना मुझे फिर ड्राई ड्राई सी स्किन रहती है और सर्दियों में दर्द हो रहा है। और फेस पे वैसे मैं वो लगाती हूँ, सनस्क्रीन लगाती हूँ। और मैंने किसी से सुना था, वो बोल रहे थे कि सनस्क्रीन जो है यार, अगर आप घर में हो तो तब भी लगानी चाहिए सनस्क्रीन। ये नहीं है कि आप सन नहीं है तो आप क्रीम नहीं लगाओगे, तो सन है या नहीं है आपको उससे मैटर नहीं करता है, तो आपको सनस्क्रीन तो लगानी ही चाहिए। मुझे लग रहा है यार मेरा गुलाब जल और वो पंसल जी ले गए। मेरी आईज में देखना ये तिल है। तो चलिए करते हैं पूजा और उसके बाद बनाते हैं नाश्ता। गुल्लू मैम की तरह होना बाबू मेरा शोर है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, और चेहरा जय माता दी मेरा बाबू। करती हूँ पूजा। भूर भुवा स्वः तत्सवितः। चलिए करती हूँ पूजा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए पूजा मेरी हो चुकी है और पूजा के बाद हमारी भी मैडम जो है वो जाग चुकी है, हमारी माता रानी। जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। देखिए यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे आज हो रहा है पोहे की तैयारी। ये मैंने प्याज चॉप करके रख दिया, टमाटर, ये हरी मिर्ची, नींबू और ये मैंने मूंगफली जो है ये रोस्ट करके रख दिया। अभी इसका छिलका जो है मैं निकालूंगी। और ये है साथ में, क्या कहते हैं इसको यार, पता नहीं, ये पोहे में डलती है और मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं है। और ये मैंने पोहा जो है ये वॉश करके यहाँ पे रख लिया है। और पोहा जो स्पेशली जो है आज बंसल जी के लिए बन रहा है, बंसल जी को पोहा खाना बहुत बहुत पसंद है। और ये मैंने पैन जो है यहाँ पे चढ़ा दिया है। और यहाँ पर जो है मैं पनीर बना रही हूँ, मेरे पास दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा बचा हुआ था। तो चलिए देखते हैं मैं बनाती हूँ कैसे पोहा। ओके देखिए हमारा हो चुका है ये गरम और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ राई। मुझे याद आ गया था उसको राई बोलते हैं। अभी हल्की हल्की चटकनी चालू हो जाएगी। डालते हैं इसके अंदर नमक ताकि प्याज जो है वो जल्दी कुक हो जाए। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर थोड़े से मसाले। थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है और थोड़ी सी हल्दी और इत्तू सी लाल मिर्च बस। और अब इसके अंदर डालेंगे टमाटर। अब डल चुके हैं इसके अंदर टमाटर भी और बस अब इसको थोड़ी देर कुक करके इसके अंदर डालेंगे पोहा। गुल्लू रो रही है बीच बीच में, मेरे को इसको भी देखना पड़ता है। आजा बेटा, आ मेरा बाबू, आ छोटा। अब हमारे साथ आ गई है किचन में
चलिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। नो बेटा, चलिए देखिए अभी मेरा जो है हो चुका है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पोहा। अरे यार, एक माँ की यही लाइफ होती है। चलिए मैंने डाला पोहा। नो बेटा, देखिए डल चुका है पोहा। बस इसको फटाफट से मैं कर दूंगी मिक्स। और इसके लिए डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और नींबू। मैं इसके अंदर ना चीनी नहीं डालती हूँ। हर किसी का एक पोहा बनाने का अपना टेस्ट होता है। मेरे को इसके अंदर चीनी अच्छी नहीं लगती है। कई लोग हल्की सी इसको मिठास में बनाते हैं, बट मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। बस इसको 5 मिनट्स कुक होने देंगे ताकि जितने भी फ्लेवर्स हैं इसके अंदर आ जाएं। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे खूब सारा धनिया। तो चलिए डालते हैं इसके अंदर धनिया। नहीं बेटा, लिटा के आते हैं। तो गुल्लू को मैं लिटा के आ गई हूँ क्योंकि गलती से उसका पैर वैर लग जाता। तो और इसमें डालेंगे हम खूब सारा धनिया और कैची से जो है वो अच्छे से चॉप हो जाता है। आ रही है ना आवाज इसके पीछे से? मैंने इसके अंदर डाला खूब सारा धनिया और नींबू भी डलेगा इसके अंदर। जब मैं सर्व करूंगी तब डालूंगी नींबू। तो मेरा पोहा जो है वो बनकर रेडी है। आप में से कौन कौन इस तरीके से पोहा बनाता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, रात की मेरी जो है ये सब्जी बच गई थी। ये थी मेरी, मैंने प्याज और टमाटर और दही छौंकी थी। अब अभी बची हुई बंसल जी ने मना किया खाने के लिए, तो मैं क्या कर रही हूँ इसके साथ, इसके लिए सूजी के ब्रेड बनाऊंगी। मेरी किसी से काम गई। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो सूजी मिक्स कर दूंगी। आप अपने अंदाजे से सूजी मिक्स करिए। मैंने थोड़ी सी इसके अंदर सूजी मिक्स कर दी है और मैं इसको जो है अब बिस्तर से 10-15 मिनट लगा रख दूंगी। और जब खाने होंगे, इसके अंदर ऑलरेडी दही मिली हुई है और मैं अपने इसको लगाने के लिए क्या यूज़ करती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। और इसको जो है मिक्स कर देंगे। ओके, क्योंकि ये और थिक हो जाएगी तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको अच्छे से विस्क करेंगे। और जब मैं सूजी के ब्रेड बनाऊंगी तो आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनते हैं सूजी के ब्रेड। तो ये देखिए मेरी हो चुकी है मिक्स और मैं इसको रख दूंगी 10-15 मिनट के लिए। इतने में पिलाती हूँ गुल्लू को दूध। गुल्लू लग रहा है बिल्कुल नेपाली। दूध तो तुम्हारे जन्म से अधिकार है निकालने का। हमारा नेता कैसा हो गुल्लू भाई, जैसा हो नेता। ओए ओए बाबू, कहाँ लग रहा था, इंजेक्शन लग रहा था ना? आज आंगनवाड़ी से लोग बुलाने आए थे इसको इंजेक्शन के लिए, तो गए तो हमारे तो ऑलरेडी लगे हुए थे इंजेक्शन। तो बाबू बच गया, बच गया। चलिए कि थाली हो चुकी है तैयार। ये पोहा, ये सैंडविच जो सूजी वाला था और ये है लेमन। तो चलिए बंसल जी यहाँ पे आराम से लेट के होने वाले हैं। अब ये खाएंगे और चाय बन रही है साथ में। नो, ये स्पून से कैसे खा रहे हो हैं? स्पून से, वो भी ब्रेड हाथ से लो। पोहा कैसा बना है? बेकार। थैंक यू।
थैंक यू। और देखिए गुल्लू मैडम। बस गाइस मैं भी यहाँ पे अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ, और बस मेरा नाश्ता और ये सब चाय, मैं अपना काम कर लूँ और फिर मैं भी नाश्ता करूँ। बहुत लेट हो गया है नाश्ता करने में, चाय की गैस करती हूँ कम। और आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में, इसी के साथ देखते रहिए और प्यार करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बाय बाय बाय।